अजिनोमोटाटो या तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्या एक ही है? तो सबसे पहले तो हाँ एक ही है, अजिनोमोटाटो ब्रांड नेम है और मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक इंग्रेडिएंट का नाम है। और ये MSG जो है वो बहुत पॉपुलर है फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। हर रेस्टोरेंट में आपको ये फ्लेवर मिल जाएगा, हर शेफ इसका इस्तेमाल करता है। क्यों? तो कि आपके खाने को टेस्टी बनाने के लिए। हमें पता है हमारे स्वीट बर्ड होते हैं, नमकीन या सॉल्टी बर्ड्स होते हैं, हमारे तीखे या तो स्पाइस बर्ड्स होते हैं, वैसे टेस्ट के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। वैसे एक फ्लेवर होता है सेवरी फ्लेवर, तो ये सेवरी फ्लेवर को बहुत बढ़ाता है। और मीट की प्रोडक्ट्स है, चाइनीज़ मंचूरियम के नूडल्स की आइटम्स है या फ्राइड राइस की आइटम है, वैसी आइटम्स में ये ज़्यादा पड़ता है। और इसीलिए इसे कई बार चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं, बिकॉज चाइना में इसका इस्तेमाल महत्तम अनुसार हर एक फूड में होता है। अब ये सेफ है अनसेफ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो MSG को इंडियन FSSI हो, US FDA हो या तो यूरोपियन यूनियन हो, सब ने क्लीन चिट दी है, मतलब ये खाने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही सेफ है। लेकिन इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस 14 mg का है। अब दिक्कत तब आती है जब हम इसका डोजेज बढ़ाते हैं, और हम खुद तो बढ़ाते नहीं है, लेकिन जब हम बाहर खाना चालू करते हैं तो अनुमान हर एक पर्सन इसका इस्तेमाल फ्लेवर एनहांसर की तरह करता है कि घर का खाना और रेस्टोरेंट का खाना इसमें कुछ तो अलग बात हो। और वो जो अलग बात है इसके लिए वो लोग MSG एंटर करते हैं। जब ये लोग MSG एंटर करते हैं और बार बार जब ये चीज़ रिपीट होती है, तो आपको दिन में अगर 4 या 5 बार आप बाहर खाएंगे तो आपकी बॉडी का डोजेज कई बार 5 ग्राम कई बार 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैसे भी इस्तेमाल होता है हर एक फूड सर्विंग के अंदर। जो RDA है उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उसके लिए कोई नॉर्म्स ही नहीं है। इंडिया में तो स्पेशली कोई नॉर्म्स नहीं है, चाइना जैसे कंट्री में कोई नॉर्म्स नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको, जब नहीं लेते घर का खाना खाते या आप खाना नहीं खाते, तब आपको हेडेक होना, आपको नॉजियटिक फील होना, वॉमिटिंग होना, एडिक्टिव है इसलिए कई बार एडिक्शन का दिक्कत आना, फिर उसके बाद हार्ट बर्न है, हार्ट रेट एलिवेट हो जाना, पसीना या स्वेटिंग एक्सेसिव होना, ये सारे इसके साइड इफेक्ट है जो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो लोग बहुत कंटिन्यूसली या लंबे समय तक बाहर खाना खाते हैं उनको ये एक्यूट साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्या इसका कोई क्रॉनिक साइड इफेक्ट भी है कि जिससे लंबे समय में क्या हमें कैंसर जैसी बीमारी कर सकता है या अल्सर जैसी बीमारी भी दे सकता है, तो जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो लंबे समय के साइड इफेक्ट में US FDA ने प्रमाणित किया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि MSG लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारी देता है, तो आपको इसके बारे में तो डरने जैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये हार्ट रेट को या ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपके टेस्ट बर्ड्स को डैमेज कर सकता है, ऐसी कई सारी कंडीशंस को ये पैदा कर सकता है, जिस वजह से आपको इसके एसोसिएटेड डिजीज़ या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस लंबे समय में बढ़ जाते अगर आप कॉन्स्टेंटली इसके साथ ओवरवेट, बिकॉज ये खाना है उसी में डलता है जो बाहर बनता है। और बाहर का खाना हमें पता है कि भाई जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, और कैलोरी जिसमें ज़्यादा है, शुगर जिसमें ज़्यादा होती है, सॉल्ट जिसमें ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ओवरवेट, ओबेसिटी, हार्मोनल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस तो बढ़ती ही है। तो एसोसिएटेड विद द फूड विच इज गोइंग टू ईट, ये जिसमें खाया जाता है, इस वजह से आपको हार्ट कंडीशंस या आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज या ऑर्गन डैमेज जैसी कई सारी बीमारियाँ हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब इसको थोड़ा और डीप में जानते हैं, कौन कौन से फूड में ये अवेलेबल है। तो अगर आप जानेंगे तो मैगी जैसी आइटम्स में, नूडल्स जैसी हर एक आइटम में ये अवेलेबल है। जो हम चिप्स खाते हैं अलग अलग प्रकार की, इसके अंदर ये अवेलेबल है। हम जो प्रकार के अलग अलग प्रकार के शेलफिश या मीट प्रोडक्ट्स या एग प्रोडक्ट्स या चिकन प्रोडक्ट्स बाहर से लाते हैं उसमें अवेलेबल है। ये जब भी हम कोई ऐसी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जो पैकेज है, अगर बहुत ही बेसिक उसमें भी ये अवेलेबल है, मतलब जो भी पैकेज फूड है उसमें ऐसा फ्लेवर एनहांसर, एक कैटेगरी में एक नयापन लाने के लिए कि हमारा खाना ज़्यादा टेस्टी है, उसी लिए ये दिया जाता है। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये लिखना ज़रूरी है किसी को भी अपने पैकेजिंग के अंदर, ये रूल है FSSI का, तो ये जानिए कि ये है कि नहीं। अगर ये है सोडियम का रिप्लेसमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल या ऐसे चीज़ें खाना हम अवॉइड करें या कम कर दें, तो इससे आपको इसका एडिक्शन या इसके कोई होने वाले साइड इफेक्ट से आप बच पाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि MSG के बारे में मैं थोड़ा आपको विश्लेषण कर सकूं। वैसे इससे एसोसिएटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी है, आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर गौतम जानी, फिटनेस विद गुमजी एंड FGIT की टीम की तरफ से आपसे आज विदाई लेता हूं, और हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।
तब के लिए थैंक यू सो मच, वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो ऐसे लोगों को शेयर करें जिसको उसकी ज़रूरत है, और प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना चालू करें अपने ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, जिससे आप लोगों की हेल्थ एंड वेल्थ दोनों बेटर रहें।